हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड, अभी शाम के 4 बज गए हैं और आपके साथ आज का इवनिंग रूटीन शेयर कर रही हूँ। और अभी ना ऋषभ आने वाला है स्कूल में से, क्योंकि अभी आदर्श लेने को गया है उसको, तो बस अभी 5 मिनट में आ जाएगा वो। तो उसके लिए यहाँ पर एप्पल का शेक बना रही हूँ, और उसके लिए मैंने एप्पल को छील लिया है और बारीक बारीक टुकड़ों में कट कर लिया है। और उसमें दूध डालूंगी ठंडा ठंडा फ्रिज में का, और शक्कर डालूंगी और वेनिला एसेंस डालूंगी थोड़ा, और अच्छा साथ में पीस लूंगी। और एप्पल के बारीक बारीक टुकड़े करने पड़ते हैं, नहीं तो फिर जब मोटे टुकड़े करते हैं ना तो फिर अच्छे से पीसे नहीं जाते हैं, वो मोटे मोटे टुकड़े रह जाते हैं उसमें। तो बारीक बारीक टुकड़े कर दिए पे और यहाँ पर पीस लिया है, और एक बार थोड़ा सा दूध डाल के और एक बार पीस लेती हूँ। और बस यहाँ पर देखिए आदर्श और ऋषभ दोनों आ गए हैं। और ऋषभ ना दिन भर स्कूल में रह के बहुत बोर हो रहा है। क्या हो गया ना, एक तो कोरोना की वजह से 2 साल स्कूल में ही नहीं डाला उसको, और डायरेक्ट डाला तो फिर थोड़ा 1-2 महीने पहले गया वो फर्स्ट क्लास के पहले, और अभी डायरेक्ट फर्स्ट में गया है, तो प्रेशर उसको ज़्यादा लग रहा है और टाइमिंग भी बहुत ज़्यादा लग रहा है स्कूल का। तो यहाँ पर एप्पल का शेक मेरा बन गया है, आदर्श को दे देती हूँ और फिर ऋषभ को जाकर पिला दूंगी, थोड़ा बैठूंगी उसके पास। और वो टैप देखने के लिए गया है, और टैप पे तो ऐसे टूट के पड़ता है जैसे किसी कैद में से छूट के आया है, और बहुत दिनों से टैप देखा नहीं है उसने। बस होता भी है ना, 4 बजे तक देखता नहीं है वो, सुबह भी तैयारी में वगैरह भी रहना पड़ता है, तो थोड़ा सा देखने देती हूँ उसको, तो थोड़ा ही देखता है सुबह सुबह भी, और दिन भर भी नहीं मिलता है उसको, तो फिर ज़्यादा देखता है वो आने के बाद। और यहाँ पे देखिए शाम के 4:30 बज गए हैं, और मैं यहाँ पे झाड़ू लगा रही हूँ। झाड़ू मैं इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि खुशी सो गई है, वही लगा लेती है ना शाम में झाड़ू, लेकिन सो गई है वो, और बहुत बार ऐसा कर रही है कि शाम के टाइम ही सो जा रही है, तो फिर मैं उसको नींद आती नहीं है, और शाम तक होते होते उसको नींद आने लगती है, तो फिर कभी कभी सो जाती है, कभी कभी नहीं सोती है, कभी कभी तो फिर 5:30 को भी सो जाती है और 6 बजे उठती है, 6:15 बजे। तो उसका टाइमिंग ऐसा हो गया है, लेकिन ऐसा है कि फिर रात में पढ़ाई करती हो 12-1 बजे तक फिर पढ़ाई करती है, तो फिर चलता है जाने, तो रात को पढ़ाई तो भी होगी, दिन भर तो पढ़ाई भी होती नहीं है उसकी, क्योंकि ऋषभ छोटा है तो डिस्टर्ब करता रहता है बार बार वो, और एक तो टैब में ही पढ़ाई करती है वो भी, तो फिर ऋषभ को भी टैब चाहिए होता है, तो एक बात के लिए अच्छा भी है कि वो रात में आराम से पढ़ाई हो जाती है उसकी। तो चलिए यहाँ पर झाड़ू मेरी सारी ही लग गई है, और अब मुझे लगाना है पोछा, क्योंकि मौसी आज भी नहीं आए, कल भी नहीं आए थे और परसों भी नहीं आए थे, फ़ोन भी नहीं लग रहा है उनका, फ़ोन लग रहा है लेकिन कोई उठा नहीं रहा है, तो फिर मैं यहाँ पे पोछा लगा ले रही हूँ, और कल भी पोछा नहीं लगाया था इसलिए शाम के टाइम में ही लगा ले रही हूँ, क्योंकि सुबह तक ना मुझसे अब वेट नहीं हो रहा है, सुबह लगा देती, आज का दिन रहने देती और कल लगाती तो भी चलता है, एक तो फिर कल का एक काम भी हो गया मेरा निपट गया, और एक तो घर ना अच्छा भी लगता नहीं है ना, पोछा लगा होता है ना घर को तो घर अच्छा लगता है, और कल से पोछा नहीं लगा था ना तो बिल्कुल घर अच्छा नहीं लग रहा था, तो फिर अभी शाम में ही पोछा लगा ले रही हूँ। और ना बर्तन भी वही मावशी करते हैं, तो लेकिन फिर बर्तन का क्या है, जो कपड़े धोते हैं ना मावशी, तो वो मेरे बर्तन धोके दे रहे हैं, तो लेकिन पोछा नहीं लगाते वो, क्योंकि उनके बैक कमर में कुछ प्रॉब्लम है, तो फिर वो पोछा नहीं लगा सकते, तो फिर वो नहीं लगाते पोछा, बाकी ना वो मेरे हर काम करके देते हैं, ऐसा कभी नहीं होता है कि मैं कोई काम बोलूँ उनको रो ना करे। तो चलिए हॉल और किचन का पोछा लग गया है मेरा, अब दोनों रूम को भी लगा लेती हूँ। और आदर्श और ऋषभ है ना बाहर गए हैं दोनों, आदर्श जब से आए ना ऋषभ को किधर ना किधर घुमा रहा है, खिला रहा है पिला रहा है बाहर का, वो स्कूल में लेने को भी वही जा रहा है और छोड़ने को भी वही जा रहा है, तो सारे ऋषभ के काम वही कर रहा है। आदर्श को ना पूरा में जा तो रहा है वो, लेकिन क्या होता है ना थोड़े दिन रहता है ना वहाँ पे, तो उसको ऋषभ याद आने लगती है, तो फिर वो वापस से 2 दिन की भी छुट्टी मिलती है ना उसको, तो वापस आ जाता है वो। और इस बेड पर देखिए खुशी सोई है, और यहाँ पर जल्दी से जल्दी पोछा लगा लेती हूँ और लाइट बंद कर देती हूँ, अभी सोई 1/2 घंटा पहले सोई है वो, तो थोड़ा देर सोने देती हूँ। तो देखिए यहाँ पर पोछा वोछा मेरा सब लग गया है, और यहाँ पे 6 बज गए शाम के, तो यहाँ पर मैं खिचड़ी बना रही हूँ, तो खिचड़ी फ्राई कर ली हूँ, यहाँ पे सारी तैयारी कर ली है मैंने। और यह देखिए ये वटाने है ना, तो मैंने सुबह से नहीं भिगाए थे क्योंकि मेरा डिसाइड नहीं था खिचड़ी बनानी है, शाम में आदर्श ने बोला कि मम्मी खिचड़ी खानी है, तो फिर मैंने 5 बजे भिगा दिए थे 1 घंटा पहले। तो मैंने भिगाने के लिए क्या किया, थोड़ा गर्म पानी किया और उसमें थोड़ा सोडा डाल दिया, तो फिर अच्छे से भीग गए है वो। जब भी मुझे ऐसे ही चने वगैरह भिगाने में देर हो जाती है ना, वटाने वगैरह कुछ भी जो चीज़ें भिगानी होती है देर हो जाती है ना, तो बस उसमें थोड़ा सोडा डालती हूँ, थोड़ा गुनगुना पानी करती हूँ ना, तो अच्छे से फटाफट भीग जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने तेल गर्म कर लिया, तेल में थोड़े खड़े मसाले डाल दिए, तेजपत्ता दालचीनी लौंग वगैरह ऐसे थोड़े खड़े मसाले होते हैं ना वो डाल दिए, और 4-5 लाल खड़ी मिर्च डाल दी है, और उसके बाद फिर लहसुन अदरक की पेस्ट डाल दी और प्याज डाल दिया, और फिर वही कड़ी पत्ता हरी मिर्ची ऐसे ही बस जो नॉर्मल होते हैं ना मिर्च मसाले अपने, बस वही डाल दिए, और टमाटर के यहाँ पर पेस्ट कर दिए मैंने, क्या है मुझे वो आदत हो गई थी, पहले क्या होता था ना बच्चे टमाटर खाते नहीं थे, तो टमाटर की पेस्ट कर दिया करती थी, तो वही आदत है, तो टमाटर अब खिचड़ी में भी टमाटर की पेस्ट अच्छी लगती है बच्चों को, तो ज़्यादातर मैं पेस्ट ही बना के डालती हूँ टमाटर की, 3 टमाटर लिए पीस लिए और वो डाल दिया यहाँ पर, और यहाँ पर साइड में जो डब्बे में निकाला है मैंने, तो वो ऋषभ के लिए जो अदरक लहसुन जो भी पेस्ट मैंने बनाई है ना तेल में डाला है ना, तो वो थोड़ा डब्बे में डाल दिया है, और उसमें अब मैं थोड़ी सी बिना मिर्च वाली खिचड़ी बनाऊंगी। और हाँ, खिचड़ी में मैं गरम मसाला नहीं डालती हूँ, गरम मसाले की जगह मैं बिरयानी मसाला डालती हूँ, अब 10 वाला जो पैकेट आता है ना पूरा डाल देती हूँ उसमें, ऐसे ही पहले बिरयानी का मसाला एक बार बच गया था तो खिचड़ी में डाला था बाद में बचा हुआ, तो तब बहुत अच्छी लगी थी खिचड़ी, तो बस उसी तभी से मुझे आदत पड़ गई वो,
कि खिचड़ी बनाती हूँ तो बिरयानी मसाला ज़रूर डालती हूँ उसमें। और सबसे बड़ी बात, मेरे बच्चों को ऐसी खिचड़ी बहुत पसंद आती है। बस बच्चे खुश तो माँ खुश, माँ को और क्या चाहिए होता है। तो देखिए सारे जो सब्जियाँ वगैरह थी ना सारी डाल दी मैंने, आलू, शिमला मिर्ची, गोभी, सारी जितनी सब्जी थी मेरे पास तो सारी डाल दी। और यहाँ पे देखिए अच्छे से फ्राई कर लिया सभी को, और यहाँ पे पानी डाल देती हूँ और चावल धोकर डाल दूँगी। चावल और मूंग की दाल डालती हूँ, मूंग की दाल ना एकदम थोड़ी डालती हूँ, ज़्यादा मूंग की दाल डालती हूँ ना तो फिर सारा फ्लेवर ना मूंग की दाल का आता है। तो बस थोड़ी सी मूंग की दाल और ज़्यादा चावल ले लेती हूँ। और यहाँ पर देखिए चावल तो मैंने दो पानी से धो लिए थे, लेकिन यहाँ पर चावल जो है ना अच्छे से रोल कर डाल रही हूँ। और रोल कर डालने से क्या होता है, जो कंकर वगैरह होते हैं ना तो नीचे रह जाते हैं, और चावल में कंकर नहीं थे, लेकिन जो दाल है ना दाल खेत में से आती है, तो मतलब घर के खेत में से आती है, तो उसमें थोड़े कंकर है, तो फिर उसको जैसे धो के ले लिए है, मतलब रोल के ले लिए है। तो यहाँ पर देखिए छोटा कुकर लगा दिया, इसमें लड्डू की खिचड़ी है और बड़े कुकर में तीखी वाली खिचड़ी है, तो दोनों को भी दो दो सीटी ले लूँगी और खिचड़ी तैयार हो जाएगी मेरी। तो यहाँ पर देखिए खिचड़ी के कुकर दोनों मैंने लगा लिए हैं। तो चलिए जब तक कुकर की सीटियाँ लगती है ना तब तक काउंटर टॉप वगैरह सर किचन वगैरह सराई को साफ़ कर लेती हूँ। सबसे पहले फ्रिज में से मलाई का जो पतीला है वो निकालूंगी। दोपहर में मैंने मलाई से घी बना लिया था, बटर बना लिया था, मतलब मक्खन बना लिया था, तो उसको मैंने फ्रिज में रख दिया था क्योंकि ठंडे पानी की वजह से ना अच्छे से निकल आता है पूरा मक्खन। तो यहाँ पे वो निकाल लेती हूँ एक बार, और फिर उसके बाद सारी सफाई कर लूँगी। और इनके लिए मुझे रोटी बनानी है, लेकिन फिर वो आने के बाद बनाती हूँ, तो अभी नहीं बनानी मुझे, जब वो आएंगे तब गर्मा गर्म बनाऊँगी। और सुबह का ठेसा है, दूध रोटी खा लेते हैं वो। तो फ्रेंड मैं वीडियो को ये रखती हूँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गुड बाय फ्रेंड्स।